देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, और सदस्यता अभियान में तमाम नेता जो यहाँ के इंदौर के तमाम नेता यहाँ पे इकट्ठा हुए, और सभी से जब आकाश विजयवर्गीय के बारे में जानना चाहा कि मतलब आकाश विजयवर्गीय को लेके क्या मतलब आपकी प्रतिक्रिया है अब आने वाले समय में, तो सभी ने कुछ ना कुछ बहाना बना के नो कमेंट्स के तौर पे नो कमेंट्स बोल के उस चीज़ से कन्नी काट ली। और अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि मतलब धीरे धीरे जिस प्रकार से जो आकाश विजयवर्गीय जी का जिस पहले जो फेवर कर रहे थे, जिस प्रकार से सब लोग बोल रहे थे कि आकाश जी ने बहुत सही किया है, एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार का करना चाहिए, वहीं अब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो बयान आया है उसके बाद से जितने भी नेता है सब बिल्कुल चुप हैं, बिल्कुल कोई कुछ कैमरा पे किसी भी तरह का कुछ बयान देने को तैयार नहीं है। किसी सबसे जानना चाहा तो किसी ने कहा कि नो कमेंट्स, किसी ने कहा कि इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, और किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं, हमारे जननायक हैं, और उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा होगा, और किसी भी प्रकार का जो विवादित बयान किसी ने देने से या कुछ भी आकाश विजयवर्गीय वाले मामले को लेकर किसी ने भी कमेंट्स करने से आज इनकार कर दिया है। और एमपी न्यूज़ की टीम लगातार यहां पे मौके पे मौजूद है, और आप तक जितनी भी अपडेट है यहां के सब आप तक पहुंचाएंगे। और वहीं पर आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह जी वो इस कार्यक्रम में शामिल होने आने वाले थे, लेकिन ये जब पूरा मामला ही जो उठा है उसके बाद से कहीं ना कहीं उनका भी आना अधर में है, कहीं ना कहीं उनका आना भी नहीं हो सकता यहाँ पे। ऐसा लगता है कि मतलब राकेश सिंह जी भी इस सब मामले से और मीडिया से बचना चाह रहे हैं।